सड़क पर तेज रफ्तार और लापरवाही आज फिर एक साथ पांच मासूमों पर कहर बनकर टूट पड़ी। जी हां, भीषण हादसे में ट्रैक्टर पलटने से चार मासूमों सहित एक 18 साल के नौजवान युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जिसकी बहन की आज बारात आनी थी और बारात आने से पहले पूरे इलाके में मातम पसर गया। हादसे में जान गंवाने वाले पांचों मासूमों की उम्र 10 से 18 साल के बीच की होना बताई जा रही है। यस पैलेस रिसोर्ट एंड मीरा मैरिज गार्डन 1 अप्रैल से आपकी सेवा में हाजिर, जहां आपको मिलेगा स्वादिष्ट भोजन के साथ फैमिली केविन रूम, परिणय हॉल, रेस्टोरेंट, किटी पार्टी एवं बर्थडे पार्टी। के लिए आज ही संपर्क करें सैमराबाग, रानी दुर्गावती वार्ड नंबर 1, 4 लाइन, लिंक रोड, मकरोनिया, सागर। दरअसल सोमवार सुबह करीब 11:30 बजे जबलपुर के चरगुवा थाना क्षेत्र अंतर्गत तेनेटा गांव के पास अचानक एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया। हादसा इतना भीषण था कि मौके पर ही ड्राइवर सहित पांच मासूमों की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक सभी बच्चे आपस में रिश्तेदार हैं और एक ही गांव तेनेटा देवरी के रहने वाले हैं, जो ट्रैक्टर से शादी समारोह के लिए पानी का टैंकर लेने जा रहे थे, जिसको 18 साल का धर्मेंद्र गौड़ चला रहा था। इसी धर्मेंद्र की बहन की आज बारात आनी है और घर से महज 500 मीटर की दूरी पर ही ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर खेत में पलट गया, जिसके नीचे दबने से ट्रैक्टर चालक 18 वर्षीय धर्मेंद्र गौड़, 15 वर्षीय देवेंद्र बरकड़े, 13 वर्षीय राजवीर गौड़, 12 वर्षीय अनूप बरकड़े और 10 वर्षीय लकी मरकाम की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 मासूम इस पूरे हादसे में घायल होना बताए जा रहे हैं। वहीं प्रशासन की ओर से मृतकों के परिजनों को 50,000 रुपए और घायलों को 10,000 रुपए की आर्थिक मदद दी गई है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी इस पूरे हादसे में दुख व्यक्त करते हुए मृतक बच्चों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता देने की बात कही है। बहरहाल मध्य प्रदेश की सड़कों पर तेज रफ्तार और लापरवाही दिन ब दिन कहर बरपा रही है। थाना चरगवा के तीनहेटा गांव में एक ट्रैक्टर को धर्मेंद्र ठाकुर नाम का व्यक्ति चलाकर ले जा रहा था, उसमें बच्चे भी बैठे थे। वो तेज गति से चलाने के कारण ट्रैक्टर पूरी तरह पलट गया और सभी उसमें दब गए, जिसमें 5 लोगों की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई और 2 बच्चे जो हैं घायल हैं। प्रकरण इसमें सभी बॉडी को रिकवर कर लिया गया है और मर्ग पंजीबद्ध कर इसमें पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कहाँ से कहाँ जा रहे हैं बच्चे का, इसमें क्या रोल थे? अभी प्रारंभिक पूछताछ में कोई कल्टीवेटर लेने जा रहे थे, ये बात सामने आई है। और जानकारी प्राप्त होने पर पृथक से आपको दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सागर एक्सप्रेस न्यूज। रोहित मोबाइल मकरोनिया का सबसे बड़ा मोबाइल शोरूम, जहां आपको मिलेंगे थोक एवं कम रेट पर मोबाइल। तो आधार कार्ड लाएं और 5 मिनट में मोबाइल ले जाएं। हमारा पता है खाद गोदाम के बाजू से, मकरोनिया चौराहा, सागर।